हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक अलमीरा का मेकओवर कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे रेगमार्क चाहिए होगा। मैं यहाँ पे 80 नंबर और 150 नंबर रेगमार्क का यूज़ कर रही हूँ। तो रेगमार्क यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से अपने अलमीरा को जो है साफ़ कर ले रही हूँ। तो मैं इसको कलर करने वाली हूँ, तो देखते हैं कितना जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर पाती हूँ। और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो पता नहीं मैं जो सोच रही हूँ वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड मैं ट्राई करूंगी। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का कलर। लेकिन हाँ, जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, और अगर हो पाया पॉसिबल तो मैं स्क्रीन पे भी सारा कुछ दे दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डोर को ऑलरेडी मेटल प्राइमर से कवर कर चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे मेटल प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट कोट जो है मेटल प्राइमर का ही लगेगा। प्राइमर लगाने में थोड़ा सा दिक्कत आपको लग सकता है, जैसे आपको वहाँ पर दिख रहा है कहीं कहीं आपको लगेगा, लेकिन सूखने के बाद पूरा वो इवन हो जाता है। तो डोंट वरी, पहले आप अच्छे से पूरे अलमीरा में जो है प्राइमर का यूज करिए। प्राइमर लगाने से क्या होगा, पेंट बहुत ही अच्छे से स्मूथली फैलता है। आप वाइट प्राइमर का यूज़ करें। मेरे यहाँ पे वाइट प्राइमर अवेलेबल नहीं था, और मैं अलमीरा के लिए जो कलर चूज़ कर रही हूँ वो भी रेडिस कोड में आता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया। दोनों ही सेम होता है, बस कलर वाइट में क्या होता है, आप कोई सा भी लाइट कलर चढ़ाइए या फिर कुछ भी चढ़ाइए, आपको दिक्कत नहीं होता है। और इस रेड को, रेड में जो होता है डार्क कलर चढ़ाने से अच्छा रहता है। तो आप देख लीजिए आपको जैसा कलर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारा जो है मेटल प्राइमर कंप्लीट हो चुका है, और मेरे जो अलमीरा है वो बहुत ज़्यादा मैट फिनिश अभी आपको देखने मिलेगा। पूरा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है एक मैट फिनिश आया है पूरे अलमीरा में। मेटल प्राइमर को सूखने में 8 to 9 आवर लग जाते हैं, जो कि मैं समर में कर रही हूँ। विंटर या कोई दूसरे सीजन में आप करो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके उसको सूखने के लिए छोड़िए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन ऑयल पेंट ग्लॉसी का जो है फर्स्ट कोट मैं चढ़ा रही हूँ। डोर में मैंने ऐसे ही जस्ट एक ट्रायल कर लिया था, और इस सेक्शन में अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि फर्स्ट कोट कितना ईजिली जो है ब्रश स्मूथली चल रहा है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत लगे, आप थोड़ा सा तारपीन ऑयल का ऑयल को लेके इसमें डाइल्यूट करके ऑयल पेंट को थोड़ा सा पतला कर लीजिए, और बहुत ही हल्के हाथों से जो है पेंट ब्रश को चलाइए। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से पेंट फैलेगा, और एक जगह में आपको 2-3 बार जो है अपने ब्रश को रब नहीं करना है, उससे हार्श लाइन क्रिएट हो जाता है। गाइस, पेंट को सूखने में 12 से 14 घंटा लग जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी फर्स्ट कोट करने के बाद आप पूरा एक दिन उसको छोड़ दीजिए, और फिंगर से टच करके देखिए, जब तक वो एक चिपचिपाहट रहता है तब तक आप सेकंड कोट ना चढ़ाएं। फर्स्ट कोट जब तक पूरे से अच्छे से सूख ना जाए तब तक आप उसमें सेकेंड कोट नहीं चढ़ा सकते। बहुत पेशेंसली ये काम करना होता है। मेरा जो फर्स्ट कोट है बहुत अच्छे से सूख चुका है, अब मैं इसमें सेकेंड कोट चढ़ाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसमें सेकंड कोट का यूज कर रही हूँ, तो जहां जहां थोड़ा सा भी खाली रहेगा या फिर रह गया था वो सेकंड कोट से फिलअप हो जाता है, और बहुत ही इवन लगता है देखने में। गाइस, आप बहुत पेशेंसली ये काम करें। एक्चुअली देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं होता है, और उतना मुश्किल भी नहीं है। काम को जब तक आप खुद ना करो आपको नहीं पता चलता कि काम कितना ईजी और कितना मुश्किल है। मुझे कुछ नया ट्राई करना था, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है करने में, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ तो शेयर कर ही रही हूँ। मैंने जो गलतियाँ की है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप वो ना करें। वैसे फिनिशिंग मेरा बहुत ही अच्छा आया है, तो चलिए लेट्स सी क्या होता है आगे। तो यहाँ पे मेरा सेकंड कोट कंप्लीट हो चुका है, और आप लास्ट फिनिशिंग देख सकते हैं। सेकंड कोट सूखने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसको आप आराम से 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए और इसको पूरी तरह से सूखने दीजिए, तो आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा, बाद में कोई पपड़ी वपड़ी नहीं छोड़ेगा। पेंट को शुरू करने से पहले आप नीचे पेपर बिछा लीजिए, तो क्योंकि क्या होगा, पेंट गिरेगा नहीं फर्श पे, फर्श गंदा नहीं होगा। अगर गिरता भी है तो केरोसिन या फिर थिनर से आप उसको साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डोर जो है मैंने इस जगह को खाली ही रखा है, बस थोड़ा सा पेंट लग गया है, इसको मैं साफ कर लूंगी। ये वाला जो पार्ट है ये है हमारे अलमीरा का हीरो वाला पार्ट। यहाँ पे मैं वॉलपेपर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक कार्ड लेके बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा पेपर जो है छुड़ा के डोर में चिपकाई हूँ, और नीचे से थोड़ा सा
खींचते हुए और कार्ड से उसको अच्छे से जो है चिपकाते जा रही हूँ अपने डोर के साथ। इसमें आपको थोड़ा सा कहीं पे बबल आ सकता है, कोई बात नहीं, अगर अगर आपको एयर बबल आ जाए यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा पेपर छुड़ा के करिए, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर एयर बबल आ जाए तो ये आप एक पिन, सेफ्टी पिन या नीडल के साथ उसमें छोटा सा एक वो करें, होल करें और एयर को बाहर निकाल दें और अच्छे से उसको फिंगर से जो है चिपका लीजिए। उससे क्या होगा, ये बहुत अच्छे से चिपक भी जाएगा और जो है कोई सा भी कहीं पे एयर बबल भी नहीं आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, बहुत ही जल्दी में नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है। बस आप ऐसे एयर बबल को जो है हटा सकते हैं पिन से थोड़ा सा ये करके, और आप उसको थोड़ा सा हटा दीजिए। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो है कॉर्नर आ चुका है मेरा। मैं धीरे धीरे कॉर्नर को जो खींचते हुए पेपर को अलग कर रही हूँ, और ये जो मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको मैं एक कटर से काट लूँगी। पहले आप देख लीजिए, मैंने एक साइड को जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कटर से मैं इसके एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको काट के फिर कार्ड से उसको सेट कर दूंगी और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं हाथ से उठा लूंगी। तो गाइज ऑलमोस्ट डन है, आप देख सकते हैं पूरा ओवरऑल लुक जो है, अंदर का कलर जो है सूखने के बाद कैसे लग रहा है, और ओवरऑल लुक देखिए पूरा कैसे लग रहा है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। आप बताइए आपको कैसा लगा, आपके जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए ये आफ्टर और बिफोर लुक आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज़।